जय हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कोलकाता और सनराइज़र्स के बीच में होने वाले IPL के अगले मैच की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये मैच शाम को ही है, तो आप ये मत सोचिए कि यार इसकी वीडियो हम बाद में देख लेंगे। वीडियो आपको अभी देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद ही मैच है। और आपको पता है, UDCRA की पिच रिपोर्ट मतलब तहलका दोस्तों। 100% करेक्ट प्रेडिक्शन आपको इस चैनल पे मिलती है। उससे पहले आपको पिछले मैच का रैंक वगैरह दिखाया जाएगा, जो भी था, ये रहा, जितना भी था आपके सामने है। ये देखिए, ये हमारा सिंगल टीम से रैंक है। इससे पहले ये भी अपना सिंगल टीम से रैंक होगा। ये देखिए, 1400 बंदों में लगभग 35 रैंक आया अपना, 24000 में 269 रैंक आया सिंगल टीम से दोस्तों। तो आप कहेंगे इतनी बढ़िया हेड टू हेड की टीम मिलती कहाँ पे, है ना? तो ये मिलती है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अब आप कहेंगे टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हो उसके टाइटल पे क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और यहीं पर आपको बैटबॉल का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे मैं खुद खेलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रेट्स काफ़ी कम है, दैट्स वाई मैं ये ऐप आपको प्रेफर करता हूँ। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का, तो जो लोग ऑलरेडी टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ओपन करिए और यहाँ पर सर्च में जाके लिखिए @UDCRA। जैसे ही आप लोग UDCRA लिखेंगे, 96582 से ज़्यादा जिसके सब्सक्राइबर्स हैं, जब तक आप देखेंगे ये आंकड़ा और बढ़ चुका होगा, यही वाला चैनल आपको ज्वाइन करना है। ये कुछ फेक चैनल्स हैं, इन्हें ज्वाइन मत करना। ये आपसे पैसे वगैरह भी मांग सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, UDCRA अपने किसी भी यूज़र से किसी भी तरीके से एक भी रुपया नहीं लेता। ठीक है दोस्तों, अब इसे क्लियर किया जाएगा। सॉरी, डायरेक्टली आप यहाँ पर जाइए, म्यूट की जगह आपको ज्वाइन देखेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब इसे क्लियर करते हैं, इसे भी क्लियर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब डायरेक्टली हम सब कुछ स्किप करके वीडियो बनानी शुरू करते हैं। जो पिच रिपोर्ट है वो मैं थोड़ा सा जल्दी में अभी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट मैच की स्टडी करनी है। तो डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ कि आपको टीम कौन सी लेके जानी है और किस तरीके से लेके जानी है। आप भी खुश हुए होंगे कि सर आज डायरेक्ट टीम मिल रही, कोई बात नहीं, आपकी किस्मत अच्छी है आज। तो दोस्तों, आज टीम बनेगी केवल और केवल हेड टू हेड के लिए। रिधिमान साह सबसे प्रेफरेबल चॉइस और एकमात्र चॉइस दोस्तों। एक और बात, साइफर्ड को ऊपर भेजा जा सकता है। दूसरी तरफ त्रिपाठी बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। उसके बाद राणा जी कंटिन्यूसली बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। उसके बाद बाकी प्लेयर्स बाद में देखे जाएंगे, डायरेक्टली यहाँ पे चलेंगे। वेंकटेश तो कैप्टन साहब है मुझे लगता है आज के मैच के, अपने होल्डर VC हो सकते हैं आज के मैच के। नारायण भी VC हो सकते हैं आज के मैच के। रसल किस्मत ख़राब है, वरना इसे भी ले लेते। शंकर जी को खेलना चाहिए, लेकिन अब खेल नहीं रहे। चलो, राशिद खान, अब इसको बंदा टिप टिप करके इसके ओवर निकाल देता है, वरना चक्रवर्ती भी दोस्तों इतने कोई स्पेशल नहीं है। भुवनेश्वर भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लगा के चलिए ये दो प्लेयर्स तो आपको लेने पड़ेंगे। तीसरा, आपको जनता के साथ जाना पड़ेगा, या हम अपने तरीके से देखें कोई प्लेयर ऐसा जो नया आके बढ़िया प्रदर्शन कर रहा हो। संदीप जी नहीं, एक विकेट का प्लेयर है। कॉल भी एक विकेट का प्लेयर है। मावी भी एक आधी विकेट का ही प्लेयर है। साउदी तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो भूवी भी अब आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो तीसरा प्लेयर क्रेडिट बचाने के लिए हम लोग मावी के साथ जा रहे हैं, देखा जाए ज़रा। हाँ ठीक है, मावी के साथ क्रेडिट बचाने के लिए जाया जा सकता है। अब दो प्लेयर हम ये दोनों ले पाएंगे। अब आप समझ चुके होंगे कि मैंने 8 क्रेडिट का प्लेयर क्यों लिया था, क्योंकि मुझे हैदराबाद के दो टॉप के बैट्समैन चाहिए थे और मैं दोनों ले चुका हूँ। इस टीम में केवल एकमात्र कमी, अब आप कहोगे UDCRA की टीम में कमी, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आप चाहे तो आप उसे दूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पर शुभमन गिल को नहीं लिया, केवल एकमात्र कमी केवल यही है, जिसे आप चाहे तो आप दूर कर सकते हो, लेकिन जो है वो है। मैंने यहाँ पर शुभमन गिल को नहीं लिया। कैप्टन और वाइस कैप्टन
सब लोग अय्यर को बना रहे हैं, लेकिन UDCRA के पास काफ़ी अल्टरनेटिव्स है जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मैं आपको चार प्लेयर बताऊँगा जो आपको वन साइडेड जिता के जा सकते हैं। सबसे बड़ा नाम आएगा वेंकटेश अय्यर का, दूसरा सबसे बड़ा नाम आएगा जेसन होल्डर का, तीसरा नाम आएगा सुनील नारायण का, चौथा नाम आएगा राहुल त्रिपाठी। ये आपके सेफ लीग में हो गए। ग्रैंड लीग में दो प्लेयर का नाम आएगा, जेसन रॉय का, वरुण चक्रवर्ती का। ये दोनों आपके ग्रैंड लीग के प्लेयर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम सेफ के लिए जनता के साथ चलेंगे, जनता जिसके साथ जा रही है। लेकिन मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं बैट बॉल पे। एक बार मैं आपको बता दूं, 20 रुपये का डिस्काउंट है, आप देख सकते हो 20 की 20 टीमों में आपको मिलेगा, और फ्री में भी खेलने का मौका मिलेगा आपको। ये देखिए, जितने चाहे उतने कॉन्टेस्ट फ्री में खेलिए। अगर आप लोग यहाँ पे हेड टू हेड ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे मैं हेड टू हेड ही खेलता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेड टू हेड सबसे कम है। तो ये देखिए, 222 वाला एक आपको खेलना है जिसमें 400 रुपया विनिंग है, एक आपको 525 वाला खेलना है, एक आपको 2777 वाला खेलना है, एक आपको 5199 वाला खेलना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।